तो वहीं मध्य प्रदेश में नेताओं और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा देने वाले हनी ट्रैप केस में अब एक नया चौंकाने वाला मोड़ आया है। इस मामले की मुख्य आरोपी मोनिका पुलिस की ओर से अदालत में गवाही देगी। मोनिका अब तक जहां इस मामले में मुख्य आरोपी मानी जा रही थी, वहीं अब वो सरकारी गवाह बन गई है। इंदौर की SSP रुचिवर्धन मिश्रा ने जानकारी दी है। गौरतलब है कि बुधवार को मोनिका के पिता ने इसी मामले को लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज कराया था। इंदौर की SSP रुचिवर्धन मिश्रा ने मोनिका को लेकर दिए गए बयान के बाद हनी ट्रैप मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है। मोनिका के ऊपर ही सबसे पहले इस मामले में ब्लैकमेल करने और पैसा वसूली करने का आरोप लगा था। इंदौर नगर निगम के इंजीनियर ने जिस महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी, वो मोनिका ही है। हरभजन की शिकायत के आधार पर ही इंदौर पुलिस ने पहले मोनिका और उसकी एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इन दोनों की निशानदेही पर भोपाल से मामले में 3 अन्य महिलाओं और एक युवक की गिरफ्तारी हुई थी। तो हनी ट्रैप मामला, इस मामले में आया एक नया मोड़। तो SSP रुचिवर्धन मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है।